नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है केवल 1695 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 1999 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। यह है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.83 इंच का LCD डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें है 100+ वर्कआउट मोड, सुपर फास्ट चार्जिंग, एडवांस एक्टिविटी ट्रैकर, हार्ट रेट, SPO2 एंड स्ट्रेस मॉनिटर, क्विक रिप्लाइज, वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट गेम्स और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। फिजिकल ओरियो की बात करेंगे तो जो वॉच है दिखने में काफी बढ़िया है। हालांकि इसकी जो बॉडी है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और स्टडी है। फ्रंट में आपको मिलता है 2.5D कर्व ग्लास, साइड में है एक बटन। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, यहाँ पे स्पीकर और ये है माइक। सेंसर्स के ऊपर आपको मिलेगी ये प्लास्टिक की फिल्म जिसे आप रिमूव कर सकते हो यूसेज के पहले। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22mm के, और इसकी जो थिकनेस है वो भी काफी परफेक्ट है। ऊपर में है मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और होल में इंसर्ट करना है इस तरीके से। चार्जिंग करने के लिए आपको मिलता है बॉक्स में ये पोगो पिन चार्जर जिसे आप इस तरीके से अटैच करके चार्ज कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच को। इसमें आपको मिलती है सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि आप इसे चार्ज कर पाओगे केवल 45 मिनट्स में। इसमें है 180mAh की बैटरी, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जब लोगो दिखाई देगा फास्ट ट्रैक का तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड। तो इसे डाउनलोड कीजिए, फिर आपको इसे करना है ओपन, स्किप टू साइन अप कीजिए, सर्कल में टिक कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, डिसेबल पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद करना है कंटिन्यू, उसके बाद आपके नंबर पे जाएगा एक OTP, उस OTP को आपको एंटर करना है, फिर करना है कंटिन्यू। सभी परमिशन को आपको 1x1 अलाउ करना है, तो परमिट पे टैप कीजिए, वाइल इन द ऐप पे टैप कीजिए, परमिट अलाउ। फिर आपको अपनी वॉच में स्वाइप करना है, आपको मिलेगा QR कोड, आपको इस कोड को स्कैन करना है अपने फोन के जरिए इस तरीके से। फिर आपको अपनी स्मार्ट वॉच में टिक पे टैप करना है और आपकी वॉच हो चुकी है सक्सेसफुली पेयर। फिर आपको पेयर का मिलेगा पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है, वाइल इन द ऐप पे टैप कीजिए, फिर आपको अलाउ पे टैप करना है कॉन्टैक्ट्स को सिंक करने के लिए, अपडेट नाउ पे टैप कीजिए। इस वॉच के वारंटी को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी वॉच में कोई भी इश्यू फेस करते हो, अगर आपको इस वॉच की वारंटी को क्लेम करना हुआ तो आप टाइटन के कोई भी सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हो या आप बॉक्स पे जो नंबर दिया गया है टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टाइटन के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो फर्मवेयर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, आपको वेट करना है, फिर से आपकी वॉच होगी कनेक्ट, फिर से आपको कन्फर्म पे टैप करना है, टिक पे टैप कीजिए अपनी वॉच में, फिर आपको अपना प्रोफाइल नेम एंटर करना है, कंटिन्यू कीजिए, मेल फीमेल चूज करना है, कंटिन्यू। आपको अपनी बर्थडे सेट करनी है इस तरीके से टाइप करके, आपको यहां पे सेट करना है आपकी बर्थडे, फिर आपको करना है कंटिन्यू। आपकी हाइट सेट कीजिए सेंटीमीटर में, इसके अलावा कंटिन्यू करके आपको वेट सेट करना है kg में, कंटिन्यू। स्लीप गोल, आप कितने घंटे सोना चाहते हो रोज, तो आपको जो स्लीप गोल है सेट करना है, कंटिन्यू कीजिए। कितने मिनट के लिए आपको एक्टिविटी करनी है रोज, जो टाइम है आपको यहां पे सेट करना है अपने हिसाब से, फिर कंटिन्यू कीजिए। डेली स्टेप गोल, डेली आप कितने स्टेप चलना चाहते हो, तो मैं यहां पे करूंगा 5000, फिर आपको करना है कंटिन्यू पे टैप।
आप इस ऐप के डेटा को गूगल फिट के साथ भी सिंक कर सकते हो, मतलब इस ऐप में जो भी आपका डेटा रहेगा, हेल्थ डेटा और एक्टिविटी डेटा, वो सिंक हो जाएगा गूगल फिट में भी। तो आपको साइन इन विद गूगल पे टैप करना अगर आप ऐसा चाहते हो तो, हालांकि मैं करूंगा अभी स्किप। फिर आपको दो परमिशन को अलाउ करनी है, तो परमिट पे टैप कीजिए, इसके अलावा डीएनडी को भी परमिट कीजिए, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। हमने अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑन कर लिया है, और जब कॉल का फीचर ऑन होगा तब आपकी वॉच में कॉल का बटन व्हाइट में शो करेगा इस तरीके से ऊपर में, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी वॉच में इस तरीके से कॉल का बटन शो नहीं कर रहा है तो आपको कॉलिंग के फीचर को मैन्युअली ऑन करना है। तो आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए, और यहाँ पे आपको शो करेगा अवेलेबल डिवाइसेस में FT38083, ये रहा, आपको इस पे टैप करके करना है पेयर, उसके बाद आपकी वॉच में कॉल का फीचर ऑन हो जाएगा। ये है होम पेज जहां पे आपको शो करेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा, और अगर आप इस पे स्वाइप डाउन करोगे तो आप इस डेटा को कर सकते हो रिफ्रेश। तो ये है आपका आज का डेटा, आज आपने कितना स्लीप लिया है, कितने स्टेप्स आप चले हो, कितनी एक्टिविटी आपने की है, कितने टाइम के लिए। इसके अलावा आप अगर कोई भी वाइटल मेजर करोगे अपनी वॉच में, जैसे कि हार्ट रेट, SP2 और स्ट्रेस, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा, आप टैप करके इस तरीके से उसे चेक कर सकते हो डिटेल में। ये है आपका स्लीप डेटा। तो अगर आपने अपनी वॉच को सोने के दौरान पहने रखा है तो आपकी वॉच में रिकॉर्ड होगा आपका स्लीप डेटा, और यहाँ पे उसका डेटा शो करेगा कि आप कितना टाइम सोए हो, और आपके अलग अलग स्लीप स्टेज यहाँ पे शो करेंगे ग्राफ वाइज। अगर आप अपनी वॉच में कोई भी वर्कआउट करोगे तो उसका डेटा आपको शो करेगा यहाँ पे स्पोर्ट रिकॉर्ड में, टैप करके आप चेक कर पाओगे कि आपने कौन कौन से वर्कआउट किए हैं डिटेल में। अब देखते हैं आपको वॉच फेस को कैसे चेंज करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको वॉच फेस के टैप पे टैप करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 200 प्लस वॉच फेसेस, और यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि प्रोग्रेशन, वाइब्स, नेचर, स्पोर्टी, एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, कैजुअल। मान लेते हैं मुझे डाउनलोड करना है एनालॉग वॉच फेस, तो आपको यू ऑल पे टैप करना है। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको इस पे टैप करना है। मुझे डाउनलोड करना है इस वॉच फेस को, तो मैं इस पे टैप करूंगा, इंस्टॉल ऑन वॉच पे टैप कीजिए, फिर से इंस्टॉल पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है डाउनलोड हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो आपको बैक जाना है और यहाँ पे लिखा होगा कस्टम, आपको कस्टम पे टैप करना है, फोटो के आइकन पे टैप कीजिए। आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो, और फिर आपको करना है नेक्स्ट पे टैप। टाइम आपको हमेशा नीचे ही शो करेगा, इसलिए आपको टिक से इसे क्रॉप करना है ताकि नीचे थोड़ी स्पेस बाकी रहे। नेक्स्ट पे टैप कीजिए, फिर आपको कलर चूज करना है टाइम के लिए, जो कलर सेट करना है कीजिए, और फिर कीजिए नेक्स्ट पे टैप, इंस्टॉल पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 5 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो, हालांकि पहले 4 वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो लास्ट वाला होता है 5th वॉच फेस, बस वही चेंज होगा। आप अपनी वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और ऐसे स्वाइप करना है इनके बीच में स्विच करने के लिए। जिसे सेट करना है उस पे टैप कीजिए। अब बात करते हैं सेटिंग्स की, तो आपको लास्ट वाले टैप पे टैप करना है। ये है सेटिंग्स, तो आप पेंसिल के आइकन पे टैप करके अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो, इसके अलावा अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बर्थडे, मेल फीमेल, हाइट, वेट, लोकेशन आप यहां से चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको करना है सेव पे टैप। नोटिफिकेशन को हम करेंगे ऑन, तो आपको करना है टर्न ऑन नोटिफिकेशन, अलाउ पे टैप कीजिए, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप अपने कॉल्स को अपनी वॉच में रिसीव कर सको, तो अलाउ करेंगे हम। इसके बाद आपको ऑल एप्स पे टैप करना है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों एप्स को ऑन करना है, मिस्ड कॉल और SMS को। इसके बाद आपके फोन में जितने भी एप्स अवेलेबल है उन सभी एप्स के नाम यहाँ पे शो करेंगे। अभी इन एप्स में से आपको कौन कौन से एप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको इन एप्स को ऑन करना है, और जिन एप्स से आपको अपनी वॉच में नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करनी है आपको उन एप्स को ऑफ करना है, सभी को ऑन रखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। अब देखते हैं अगर आपको कहीं भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा
कॉल का प्रियो, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, वॉच में रिंगटोन भी बज रही है और वॉच कर रही वाइब्रेट। हालांकि आप जो इस रिंगटोन है उसे म्यूट कर सकते हो, आपको पहले आइकन पे टैप करना है वॉच में रिंगटोन को म्यूट करने के लिए। और ये है रिप्लाई को सेंड करने का ऑप्शन, हालांकि अभी तक इस ऐप में क्विक रिप्लाई को ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अगर अपडेट आता है तो आपको चेक करना है माय वॉच में और यहाँ पे आपको मिलेगा रिप्लाई को ऐड करने का ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब आपको कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा क्विक रिप्लाई में। इसके बाद है इस कॉल को डिक्लाइन करने का ऑप्शन और इसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको मिलेंगे चार ऑप्शंस। कॉल के वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। फिर ये है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, आप चाहते हो कॉल हो जाए ट्रांसफर फोन में तो आपको इस पे टैप करना है। अब जो कॉल है जा चुका है फोन में, वापस आना है आपको वॉच में तो आपको इस पे टैप करना है। इस तरीके से आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। तो आप इस पे टैप करोगे तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और इसके बाद है ये लास्ट में कॉल को एंड करने का ऑप्शन। इस तरीके से आप कॉल को कर सकते हो एंड। अगर आप अपनी वॉच में कॉल के फीचर को यूज नहीं करना चाहते तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। तो आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, कॉल के ऑप्शन को ऑन कीजिए और यहाँ पे फोन को ऑफ करना है। इसके बाद अगर कोई भी कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में रिसीव नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको शो करेगा किसका कॉल आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। मिलेंगे आपको तीन ऑप्शन, रिंगटोन को म्यूट करने का, रिप्लाई सेंड करने का अभी अवेलेबल नहीं है हालांकि, इसके बाद एक कॉल को कट करने का ऑप्शन। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा एसएमएस का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप और ये रहा एसएमएस, इसे ओपन कीजिए। इस तरीके से जब भी एसएमएस आएगा तब आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। और अगर आपने मीडिया ऑडियो को ऑन रखा है जो मिलेगा आपको कंट्रोल सेंटर में, अगर आपने मीडिया ऑडियो को ऑन रखा है तो आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन जब भी एसएमएस आएगा तब। अगर आप चाहते हो टोन ना बजे तो आपको इसे ऑफ करना है। यहाँ पे एसएमएस के लिए शो करेंगे तीन से चार लाइन, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। हिंदी फोन पार्शियली सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते, आप इसे यहां से कर सकते हो डिलीट। अगर आप चाहो तो यहां से भी स्वाइप करके कर सकते हो इस तरीके से डिलीट। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा व्हाट्सएप का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा और जब व्हाट्सएप आता है तब आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप और ये रहा व्हाट्सएप का मैसेज, उसे टैप करके ओपन कीजिए। डेट टाइम कॉन्टैक्ट का नाम नंबर और इस तरीके से आप देख पाओगे केवल तीन से चार लाइन व्हाट्सएप में भी। आप अपने यहाँ पे पिछले एक साथ 15 मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर आपको सभी को एक साथ करना हुआ क्लियर तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ये बटन, टैप करके आप सभी को कर सकते हो यहां से क्लियर। गोल्स पे टैप करके आप अपने स्टेप गोल, स्लिप गोल और जो मल्टी स्पोर्ट गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब यहां से। हेल्थ पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेगा ऑटो एचआर का फीचर, मतलब कि आप अपनी वॉच में हार्ट रेट को ऑटोमेटिक मेजर कर सकते हो। तो आपको इस पे टैप करना है और ये जो ऑप्शन है आपकी वॉच में पहले से ऑन रखा गया, मतलब कि आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो रहा है। लेकिन अगर आपको बैटरी सेव करनी है, अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए वॉच में तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। तो मैं करूंगा टर्न ऑफ, तो अब मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा, हालांकि मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं। फिर है ऑटो स्ट्रेस, तो अगर आपको स्ट्रेस को भी ऑटोमेटिक पे सेट करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है। अगर आप इसे करोगे टर्न ऑन, मतलब कि आपकी वॉच में स्ट्रेस अपने आप मेजर होता रहेगा। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, तो तनाव कितना है आपका नॉर्मली 60 के नीचे होना चाहिए। अगर 60 के ऊपर है मतलब कि आपको तनाव है, हालांकि मैं इसे ऑफ ही रखूंगा, तो आपको इसे टर्न ऑन नहीं करना है। गूगल फिट को आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये है सेडेंटरी अलर्ट, तो आपको इस पर टैप करना है और यहां पे आपको टाइम सेट करना है 60 मिनट और यहां पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कीजिए अपने हिसाब से। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये अलर्ट आपको आएगा आपकी वॉच में। इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली 1 घंटे के दौरान, ना आप चले ना आप उठे, तो आपको वॉच में आएगा हर घंटे एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो इस अलर्ट को एक्टिवेट करने के लिए आपको करना है टर्न ऑन पे टैप। ये है हाइड्रेशन रिमाइंडर, मतलब कि पानी पीने का रिमाइंडर, तो आपको इस पे टैप करना है। टाइम सेट कीजिए, मैं चाहता हूं हर 2 घंटे मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आए, तो आपको यहां पे करना है every 2 hour पे सेट। स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कीजिए, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपकी वॉच में आएगा हर 2 घंटे पानी पीने का अलर्ट, आपको करना है अपडेट पे टैप। ये है हाई एचआर अलर्ट, तो मान लेते मैंने यहां पे सेट किया है
160 और आपको करना है सेव। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं कभी भी एक्टिविटी करूंगा या कभी भी मेरी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होगा, तो मेरा हार्ट रेट अगर 160 या उसके ऊपर जाता है तो मुझे आएगा मेरी वॉच में एक अलर्ट कि अब आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर जा चुका है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको करना है अपडेट। माय वॉच पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फाइंड योर वॉच का ऑप्शन। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी तीन चीजें। डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और आपकी वॉच में बजेगा टोन। स्टार्ट पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। यूनिट को आपको ऑफ नहीं करना है। यह है लिफ्ट टू यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो आप यहां से इसे ऑफ कर सकते हो। हालांकि मैं इसे अभी ऑन ही रखूंगा। फिर है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपने 100 कॉन्टैक्ट्स अपनी वॉच में सेव कर सकते हो। तो आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है। आपको जिस कॉन्टैक्ट को सेव करना है आपकी वॉच में, आपको उस कॉन्टैक्ट के नंबर पे इस तरीके से टैप करना है। इस तरीके से टिक हो जाएगी, तो मैं ऐसे करूंगा कोई भी 100 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स यहां पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके इन्हें ड्रैग करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है लेफ्ट में और करना है डिलीट। ऐड करने के लिए ऐड मोर पे टैप कीजिए, सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए थे सारे कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच में भी शो करेंगे। ये है अनपेयर करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको करना है अनपेयर। अलार्म आप अपनी वॉच से भी सेट कर पाओगे। डीएनडी का ऑप्शन दिया गया है, तो आप डीएनडी को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। टाइम आपको सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। वेदर और म्यूजिक को ऑन रखा गया पहले से, मतलब कि आप अपनी वॉच में वेदर इन्फो को देख पाओगे। इसके अलावा आपके फोन में जो भी म्यूजिक प्लेयर है आप उसे कंट्रोल कर पाओगे अपनी वॉच के जरिए। फिर भी आप इसे इंश्योर कर लीजिए कि ये ऑन है कि ऑफ है। तो वेदर पे टैप कीजिए, यहां पे होना चाहिए टर्न ऑफ और म्यूजिक में होना चाहिए इनेबल्ड। कॉलिंग के फीचर को आप यहां से ऑन कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है और करना है इनेबल। आप अपडेट को यहां से चेक कर सकते हो। अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो यहां पे शो करेगा और आप उसे यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। हालांकि अभी है अप टू डेट, ओके कीजिए। फिर है एडिट स्पोर्ट्स, मतलब कि वर्कआउट मोड को ऐड करने का ऑप्शन। इस वॉच में आपको मिलते हैं 100 प्लस वर्कआउट मोड, हालांकि आपको मिलेंगे केवल 17 आपकी वॉच में, और उसमें से 16 तो पहले से ऐड किए गए हैं, बट जो लास्ट वाला है आप उसे यहां से ऐड कर सकते हो। तो आपको किसी भी एक वर्कआउट को ऐड करना है, तो मैं करूंगा पुलअप्स को। तो आपको प्लस पे टैप करना है और करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप केवल जो लास्ट वाला वर्कआउट है 17 नंबर का उससे बस ऐड या रिमूव कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो आप इस बटन पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको डायरेक्ट जाना हुआ होम पेज पे, तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ, तो आपको इसे स्वाइप करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे 3 सिस्टम मेनू, इस वॉच को स्विच ऑफ करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए और इसे रिसेट करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप अपने मैसेज यहां पे रीड कर पाओगे, और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। तो ऊपर में शो होगा बैटरी लेवल, डेट, और ये है कॉलिंग का फीचर, ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑफ है तो रेड में होगा ये आइकन, अगर ऑन है तो व्हाइट में होगा। सबसे पहला टॉगल है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का। इसके बाद है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहां पे टैप करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। ये है लेवल 1, 2, 3, 4, 5। ये है बैटरी सेवर मोड, तो अगर आपको बैटरी सेव करना है अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा और आपको केवल शो करेगा आपकी वॉच में टाइम इस तरीके से। और अगर आपको बैटरी सेवर मोड को ऑफ करना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए तो बैटरी सेवर मोड ऑफ हो जाएगा। यह है रेस्ट वेक का फीचर, तो आप यहां से इसे 1 टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये ऑन है, इसका मतलब है कि अगर डिस्प्ले को मैंने ऑफ किया तो अगर आपको जल्दी से टाइम देखना हुआ तो बस आपको अपनी कलाई को ऐसे ऊपर करना है टाइम को देखने के लिए, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसके बाद है
कॉल के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आपको इस पर टैप करना है। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में कॉल रिसीव हो तो आपको इसे ऑन करना है फोन को, अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में कॉल रिसीव ना हो तो आपको इसे ऑफ रखना है। और ये है सेटिंग्स, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है वॉच फेस, तो आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है स्क्रीन टाइम, तो यहां पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स के लिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर डिस्प्ले को आप ऑफ करते हो और अगर आप इसे ऑन करते हो तो अब ये 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो टाइमर को तो आप यहां से बढ़ा सकते हो, यहां पे है मैक्सिमम 30 सेकंड। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप 10 या 15 सेकंड सेट कर सकते हो मैक्सिमम। फिर है मेनू स्टाइल, तो आपको मिलेंगे यहां पे 2 स्टाइल। अब जो सेट किया गया है वो सेट किया गया है लिस्ट स्टाइल में, तो आपका जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेगा लिस्ट स्टाइल में। अगर आपको इसे चेंज करना है ग्रिड में तो इसे कीजिए ऑन ग्रिड को, तो जो मेन मेनू है इस तरीके से शो किए जाएंगे 3x3। आप जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है उसे भी चेंज कर सकते हो, आपको इस पर टैप करना है। अगर आपको अपनी वॉच में वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो ऑफ पे सेट कीजिए, अगर आपको चाहिए हल्का सा वाइब्रेशन तो सॉफ्ट पे सेट कीजिए, अगर आपको चाहिए ज्यादा वाइब्रेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग पे सेट करना है। फिर है साउंड सेटिंग, तो आपको इस पर टैप करना है। अगर आप चाहते हो कॉल आने पर आपकी वॉच में रिंगटोन बजे तो आपको इसे ऑन करना है, अगर आप चाहते हो रिंगटोन ना बजे तो आपको इसे ऑफ करना है, अगर आप चाहते हो कॉल आने पर केवल वाइब्रेशन हो तो आपको इसे ऑफ कीजिए, अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में रिंगटोन भी ना बजे और वाइब्रेशन भी ना हो तो आपको दोनों को ऑफ करना है। अब कॉल आएगा तो आपको मिलेगा साइलेंट नोटिफिकेशन, मतलब कि रिंगटोन भी नहीं बजेगी और वाइब्रेशन भी नहीं होगा, लेकिन मैं इसे सेट करूंगा वाइब्रेशन पे। फोन सेटिंग्स को आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, जो हम पहले ही देख चुके हैं। यह QR कोड इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, जो हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। फिर आपको मिलेंगे यहां पे 3 सिस्टम मेनू, इस वॉच को स्विच ऑफ करने का, रिसेट करने का और इसे रिस्टार्ट करने का। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट्स। सबसे पहले है माय फिटनेस, मतलब कि आज का डेटा, आज के स्टेप्स, कैलोरी, एनर्जी, डिस्टेंस। इसके बाद है आपका स्लीप डेटा, इसके बाद है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन, इसके बाद है वेदर डेटा। हालांकि अब यहां पे वेदर इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है कि आपकी वॉच में शो कर रहा है, हालांकि मैंने पहले ही वेदर को ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी यहां पे वेदर शो नहीं कर रहा है। इसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल, तो आपको प्ले पे टैप करना है म्यूजिक को प्ले करने के लिए। प्रीवियस, नेक्स्ट कर सकते हो आप, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो यहां से प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपके फोन में, अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो आपकी वॉच में तो आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, आपको कॉल के ऑप्शन को ऑन करना है, मीडिया ऑडियो को ऑन करना है। इसके बाद अगर मैं म्यूजिक को प्ले करूंगा तो प्ले होगा मेरी वॉच में। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको म्यूजिक जो है, मतलब साउंड कौन से डिवाइस पे प्ले करना है। अगर आप चाहते हो कोई भी मीडिया प्ले करो तो साउंड प्ले हो मेरी वॉच में तो आपको मीडिया ऑडियो को ऑन करना है, अगर आप चाहते हो साउंड प्ले हो मेरे फोन में तो इसे ऑफ रखना है। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको उसे एक्सेस करने के लिए करना है होम पेज पे स्वाइप राइट। सबसे पहले है माय फिटनेस, जो हम देख चुके हैं। इसके बाद है मल्टी स्पोर्ट्स, तो यहां पे शो करेंगे आपके 17 वर्कआउट मोड, आपको जिसे भी स्टार्ट करना है आपको उस पर टैप करना है। स्टार्ट पे टैप कीजिए तो यहां पे शो करेगा कि आपको इस वर्कआउट को कितना टाइम हुआ है, आपका हार्ट रेट, कैलोरी, एनर्जी। अगर आपको इसे पॉज करना हुआ तो बटन पे प्रेस कीजिए, ये हो चुका है पॉज। रिज्यूम करने के लिए टैप कीजिए, एंड करने के लिए आपको इसे करना है एंड पे टैप। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके ऐप में और वॉच में तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। इसके बाद है मल्टी स्पोर्ट रिकॉर्ड, मतलब कि अगर आप कोई भी वर्कआउट करोगे तो उसका डेटा आपको यहां पे शो करेगा। फिर है स्लीप डेटा, हार्ट रेट, SpO2, आप इस तरीके से कर सकते हो मेजर पे टैप करके। इसके बाद है स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आपको टैप करना है, ये होगा आपका स्ट्रेस मेजर। और इसके बाद है फोन का फीचर, तो जो भी आपने कॉन्टैक्ट सेव किए आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। डायल पैड के जरिए आप किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो बड़ी आसानी से इस तरीके से। और ये है रिसेंट कॉल, तो आपकी जो कॉल हिस्ट्री है यहां पे शो की जाएगी, आपके पिछले कॉल्स यहां पे शो करेंगे। और अगर आप चाहो तो इस पे टैप करके फिर से उस कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हो इस तरीके से।
आप इस स्कॉलरशिप को क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको नीचे आना है, ये है क्लियर ऑल का ऑप्शन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। अगर आपको एक एक को क्लियर करना है तो आपको ऐसे स्वाइप करना है एक एक को क्लियर करने के लिए इस तरीके से। इसके बाद है AI Voice, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट सीरी या बिक्स भी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। आपको इस पे टैप करना है, फिर से टैप करके आपको अपना क्वेश्चन पूछना है। कॉल सैमसंग हेल्पलाइन। फिर ये है इनबिल्ट गेम्स, आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 गेम्स, 2048, जिक्सो पजल, रेसिंग और डिस्कलरेशन। इसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल जो हम देख चुके हैं। आगे है कैमरा कंट्रोल, तो आपको इस पे टैप करना है। आपके फोन में मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको इस पे टैप करना है, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। फिर आप टैप करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। आप अपनी वॉच को चेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो टैप करके या चेक करके। इसके बाद है ब्रीदिंग वर्कआउट, वेदर, अलार्म, तो आप यहाँ पे अलार्म को ऐड कर पाओगे। प्लस के साइन पे आपको टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट, AM PM सेट कीजिए इस तरीके से। फिर आपको टिक पे टैप करना है, कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है, आपको उन दिन को चूज करना है टिक करके इस तरीके से। फिर करना है टिक पे टैप, तो आप इस तरीके से एक साथ 10 अलार्म को ऐड कर पाओगे। अगर आपको अलार्म को ऑन ऑफ करना हो तो आप इस तरीके से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो, टैप करके उसे एडिट भी कर सकते हो, स्नूज को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको अलार्म को डिलीट करना हुआ तो आपको उस अलार्म पे टैप करके उसे ओपन करना है और करना है डिलीट। और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में इस तरीके से वाइब्रेशन के साथ। आप इसे यहां से कर सकते हो एंड और यहां से स्नूज। ये है स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माई फोन, तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, आपको प्ले करना है। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। इसके बाद टॉर्च, तो आप फ्लैश को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। नोटिफिकेशन, और ये है एंड में सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये था फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।